ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी सुजलॉन एनर्जी में पिछले एक महीने से लगातार गिरावट देखी गई थी इस दौरान 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट थी पर अब 14 नवंबर 2024 में इस स्टॉक में भारी खरीदारी के कारण इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा है सजलॉन एनर्जी शेयर जो 14 नवंबर 2024 में चौवन दशमलव शून्य तीन रुपये पर ओपन हुआ था वहां से कंपनी ने छप्पन दशमलव सात तीन पर अब अपर सर्किट लग चुका है इस दौरान इस स्टॉक में आज के दिन में पांच करोड़ के आसपास वॉल्यूम नजर आए हैं एक महीने से 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में पिछले एक महीने से 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई थी इसमें कंपनी की ओर से सीईओ ईश्वर चंद्रमंगल ने इस्तीफा दिया था इस खबर के कारण भी इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखी गई थी बाई करने की ही सलाह भारी गिरावट में भी कई सारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने सजलॉन एनर्जी शेयर के लिए बाई करने की ही सलाह दी थी अगर हम बिजनेस टुडे के फाउंडर मिस्टर आदित्य अग्रवाल ने यह स्टॉक अगर पचास रुपये तक सेटल होता है तो आगे जाकर अस्सी से पिचासी रुपए के टारगेट इसको निकल कर आ सकते थे चौरासी रुपये से चौवन रुपये का सफर सुजलॉन एनर्जी स्टॉक ने पिछले दो महीने के समय में चौरासी रुपये से चौवन रुपये का सफर तय किया है लंबे समय के लिए जुड़े हुए इस स्टॉक में निवेशक परेशान थे कि स्टॉक कहां तक गिर सकता है लेकिन अब स्टॉक में अपर सर्किट लगने के कारण निवेशकों खुश है डिस्क्लेमर शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम के अधीन होता है आपसे विनती रहेगी निवेश करने से पहले खुद का रिसर्च अवश्य करें अथवा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर उसके अनुसार ही अपने निर्णय को तैयार करें यहां दिए गए आर्टिकल्स में दी गई सूचनाओं अथवा जानकारी को जागरूकता के हिसाब से निवेशकों और ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है हम कोई भी निवेश की सलाह कभी भी किसी को प्रदान नहीं करते हैं